हाँ तो ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, पीयू मीट और पीयू लीड से रिलेटेड जितनी क्वेरी है आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो पीयू मीट कौन दे सकता है और पीयू लीड कौन दे सकता है, ये सारी मतलब डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो पीयू मीट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जैक चंडीगढ़ के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जैसे जो कॉलेज जैक चंडीगढ़ के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू जो अलाट हुए थे बच्चों को, उन स्टूडेंट्स के लिए है पीयू मीट। तो पीयू मीट का एग्ज़ाम वो देंगे, इसके थ्रू वो क्या होगा, ये एग्ज़ाम क्यों होता है। एग्ज़ाम इसलिए होता है कि जो पीयू के कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो एक्चुअली में फर्स्ट ईयर में जो अभी हैं, तो उनको एक और गोल्डन चांस मिलता है कि वो अपनी ब्रांच अपग्रेड करा सकें और अपना कॉलेज भी चेंज करा सकें इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो उन्हें ये एग्ज़ाम देना होगा। और पीयू लीट जो है वो डिप्लोमा के स्टूडेंट जो हैं जिनका डिप्लोमा हो चुका है वो आगे इंजीनियरिंग करना चाहें, तो वो उसके थ्रू पीयू लीट के थ्रू इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। तो पीयू मीट पिछली बार क्या कट ऑफ रहा, क्या कंडीशन रही, कैसे मतलब अलाट हुआ कॉलेज, तो उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि पिछली बार सारा कुछ ऑनलाइन था तो कॉलेज खुले नहीं थे, तो स्टूडेंट अपने घरों से यहाँ आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी उन्हें, तो काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने पीयू मीट का रजिस्ट्रेशन किया और क्या कहते उसमें कि डिस्टेंस दूर था और कभी आए नहीं थे कॉलेज, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो इसलिए काफ़ी कम स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया। उसमें से बहुत स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी एग्ज़ाम देने नहीं। उसके अलावा जब जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें से दोबारा फिर सारा कुछ ऑफलाइन हो रहा था, पीयू मीट का एग्ज़ाम और काउंसलिंग सारा ऑफलाइन हो रहा था, तो उन्हें काउंसलिंग में भी ऑफलाइन आना था, तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट ने अपनी काउंसलिंग छोड़ दी। तो जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और ठीक ठाक नंबर लाए थे, तो उनका मतलब काउंसलिंग में जितने मतलब आए स्टूडेंट मोस्टली सबको मतलब कॉलेज अलाट हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, ब्रांच अपग्रेडेशन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे मैकेनिकल से डायरेक्ट उन्हें सीएससी अलाट हुआ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो डायरेक्ट यहाँ से यूआईटी होशियारपुर से यूआईटी चंडीगढ़ गए, तो काफ़ी फ़ायदा मिला। पिछली बार कट ऑफ का मतलब कम स्टूडेंट्स की वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। इस बार मतलब पिछली बार हमने तो नहीं दे पाया तो इसका दुख है, बट तुम लोग मतलब जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हैं अभी, वो सारे के सारे मतलब पीयू मीट जरूर दे, क्योंकि ये चांस बहुत अच्छा चांस है कि अपना ब्रांच अपग्रेडेशन करा सकते हैं और पीयू मीट के थ्रू वो चंडीगढ़ जा सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजों में जा सकते हैं जिसका लोकेशन प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। तो थैंक यू गाइस, और कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करिए, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और बिल्कुल कोई भी डाउट हो पीयू मीट से रिलेटेड कोई भी डाउट तो आप कमेंट में बताइए, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा।